हम हमारे पास सर्विस के लिए आए हैं बिंटू भाई, जो कि नेक्स्ट हमने उसके नया पैच लगाया था, बट वो हमारे पास सर्विस के लिए आया। चलिए देखते हैं, बात कीजिए आप उनसे कि हमारा पैच से हमारे इनकी सेटिस्फेक्शन क्या है और इनको पैच को क्या लगा है कि हमारे पास ये सर्विस के लिए आए हैं। इनकी लाइफ में क्या चेंज आया है या इनको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, तो ये खुद लाइफ ये खुद बताएंगे। फैमिली आज हमारे साथ रिंटू भाई हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारे पास से पैच लगवा कर गए हैं पिछले ये 2 महीने पहले, तो अब इनकी लाइफ में क्या इन्हें चेंज लग रहा है या क्या इनके साथ पॉजिटिव नेगेटिव, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हाँ जी रिंटू भाई, तो कैसे हैं आप? बढ़िया। अब ये बताइए, आपको एक पैच लगाने के बाद में आपकी लाइफ में क्या आपको लगा चेंज के, क्या आपको बेटर लगा या आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसा? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को लगाने से, इतना बढ़िया लगा कि मैं बता दी पहले से बेटर लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपका मैंने देखा था यूट्यूब चैनल आपका, कुछ वो भी वीडियो वगैरह भी आप डालते हैं। अब हालांकि कोई गंजा नहीं बोलता आपको, तब बाल आ गए इसके अच्छे लग रहा है, ये जो बहुत अच्छा लगता है इससे। फैमिली को आपकी क्या पसंद आया कि पैच के पहले से पर्सनैलिटी मतलब इंक्रीज हुई है? हाँ बता रहे हैं कि सब लोग बोलते हैं कि अब अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, पहले एज इसकी ज़्यादा लगती है, जब से पहले हुआ एज इसकी कम हो गई है। और जैसे कि आपको लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं हाँ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फ्यूचर में भी आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहेंगे या आप पैच ही यूज़ करना चाहेंगे? पैच ही मेरे को अच्छा है, मेरे हिसाब से पैच ही मेरे को बढ़िया है, पैच से बढ़िया मेरे को कोई तरीका ही नहीं। पैच बहुत है कि एकदम बढ़िया लगता है लगाने में। स्टूडियो में विजिट कीजिए, इसमें कि बेटर से बेटर ऑफर हम इस टाइम क्लाइंट्स के लिए निकाले हुए हैं, और हमारा स्टार्टअप भी 3999 से है, तो आप आइए।